हेलो एवरीवन गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट राउटिंग लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी गाइस राउटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट जीएस के अंदर, और इसको यूज़ करने के बेनिफिट्स ये हैं कि हम एक एचटीएमएल फाइल के अंदर मल्टीपल व्यूज़ को लोड करवा दें, इसमें हमारा पेज बार बार रीरेंडर नहीं होता, परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है। आपको पता है जब कन्वेंशनल हम राउटिंग यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता था, अगर हम एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हैं तो एक पेज से दूसरे पेज के लिए हम नेविगेट करते थे, पेज जो है दोबारा रीलोड होता था, और रीलोड के साथ साथ अगर हमने पेज रिफ्रेश किया तो वो दोबारा से रीलोड होता था, इससे परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होती है। लेकिन इसी वजह से रिएक्ट राउटर यूज़ करने का बेनिफिट ये रिएक्ट के अंदर कि जब हम इसको यूज़ करते हैं इससे हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि हम एक पेज के ऊपर मल्टीपल व्यूज़ दिखा रहे होते हैं, और जब भी व्यू चेंज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा पेज दोबारा से रिफ्रेश नहीं होता, और इस ये परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप रिएक्ट राउटिंग लाइब्रेरी को जो है यूज़ करें, ना कि कन्वेंशनल वे को रिएक्ट के अंदर। और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज रिएक्ट राउटिंग फॉर यू।